हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश के 3 जिलों के अलग अलग नोटिफिकेशन बताने वाले हैं, ठीक है, जो कि कलेक्टर ऑफिस द्वारा यहाँ पर निकाले गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से नोटिफिकेशन है, कहाँ से करना आपको डाउनलोड, क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर यदि आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की इस तरह की इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको तुरंत यहाँ से मिल सके। तो चलिए चलते हैं पहले नोटिफिकेशन पर, देख लेते हैं पहले जिले। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर, यहाँ पर लिखना है कलेक्टर ऑफिस दमोई और करना है क्लिक। जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने जाएगी फर्स्ट लिंक, इस पर करना है आप लोगों को यहाँ पर क्लिक। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूंगा, इसका जो ऑफिशियल पेज है कलेक्टर ऑफिस का, वो मेरे सामने हो जाएगा ओपन। यहाँ पे आपको जाना है मुख्य पृष्ठ पर। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर दोस्तों ये रहेंगी आपकी भर्ती, ठीक है, इसको करना है। देखिए पहले जो दोस्तों भर्ती रहेगी वो रहेगी यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 16, यानी आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से करना है, एमपीओ ऑनलाइन के माध्यम से। यदि आप लोगों ने नहीं करा तो आप लोग आवेदन यहाँ पर कर लें, 16 लास्ट डेट रहने वाली, मतलब आज। दूसरी दोस्तों भर्ती वो रहेगी आकांक्षी विकासखंड ब्लॉक फलो की, यहाँ पर दोस्तों भर्ती होनी है, इसकी जो लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके। और तीसरी जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी दोस्तों अग्नि में, ठीक है, अग्निवीर में, ठीक है ना, यहाँ पर वायुसेना की दोस्तों भर्ती यहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों हमें क्लिक करते हैं अग्निवीर पर। जैसे ही क्लिक करूंगा इसका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ओपन। देखिए दोस्तों ये हो चुका ओपन, भारतीय वायुसेना में अग्निवीर की भर्ती रहेगी और ये आपका ये जिला रोजगार अधिकारी रोजगार कार्यालय दमोह से ये निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पुरुष और महिला दोनों आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेंगे, यानी इसके जो आवेदन है 8 जुलाई से 28 जुलाई तक ये चल रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों कर लें ऑनलाइन परीक्षा, 28 अक्टूबर को आपका, 18 अक्टूबर को आपकी परीक्षा यहाँ पर होनी है आपको, ठीक है, अग्निवीर, ठीक है, यहाँ पर जाना पड़ेगा इनकी पोर्टल पर, वहाँ से कर लें आप लोग अप्लाई, ठीक है, यहाँ पर। तो दोस्तों ये नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन निकाला गया यहाँ पर। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखिए तो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है उम्मीदवारों को केंद्रीय या राज्य में जो रहेंगे, स्कूल रहते हैं, बोर्ड रहते हैं, आप लोगों ने गणित बहुत किया होंगे जिसके साथ आपने 12वीं, ठीक है, कक्षा आपने उत्तीर्ण यहाँ पर की हो कम से कम 50% अंकों के साथ में, ठीक है, तो आप लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा रहने वाला है यहाँ पर, ये रहेगा भारतीय वायुसेना, ठीक है, तो आप लोग कर लें आवेदन, ठीक है। और पेमेंट भी यहाँ पर देखिए 550 रुपये रहेगी आपकी रजिस्ट्रेशन की। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा नोटिफिकेशन। दूसरा दोस्तों जो मैंने आपको बताया था आकांक्षी ब्लॉक फेलो कर रहा था आपका ये पद है, ठीक है, ये यहाँ पर नोटिफिकेशन हो चुका डाउनलोड। देखिए यहाँ पर आप लोगों मैंने पूरे इनको बचा दी, मैंने मतलब इस संबंध वीडियो बना दी थी आप लोगों को, जो रहेगा आवेदन दोस्तों कब तक करना है, तो 27 लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली, ठीक है, 27 तक आप लोग करना है एमपी ऑनलाइन के माध्यम से रही, ठीक है ना, यहाँ पर आवेदन, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा नोटिफिकेशन वो देख लेते हैं, बैक करा मैंने और यहाँ पे आया कलेक्टर दमोह में, ठीक है। जैसे ही क्लिक करूंगा ये रहेगा इसका नोटिफिकेशन, 16 लास्ट डेट रहने वाली है, आप लोगों को एम पी के माध्यम से करना है अप्लाई, ठीक है, यहाँ पे कहाँ से करना है तो हम देख लीजिए। आपको आना गूगल पर, यहाँ पर लिखना आई फॉर्म। जैसे ही लिखोगे आप लोग आई फॉर्म, क्लिक करोगे जैसे सर्च करोगे इसकी जाएगी फर्स्ट लिंक, इस पर करना है क्लिक। जैसे इस पे क्लिक करोगे इसका जो होम पेज है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पर ओपन। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो रहा है ओपन, देखिए यहाँ पर कौन कौन सी भर्ती है। तो देखिए दोस्तों बता दूं, पहली जो रहेगी आप लोगों की यहाँ पे करो क्लिक, ठीक है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ क्लिक। देखिए पहली जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी आपकी आकांक्षी ब्लॉक फेलो की, ठीक है, ये रहेगी संविदा के आधार पर, यहाँ से कर लेना नोटिफिकेशन डाउनलोड, आप लोगों को 27 तक करना है ऑनलाइन के माध्यम, ठीक है, यहाँ क्लिक करने का दिया हुआ है। दूसरा दोस्तों ये रहेगा आपका दमोई का रहने वाला है, कार्य कलेक्टर है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, यहाँ से कर लें आप लोग ऑनलाइन अप्लाई, आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, ठीक है, तो आपका ये तो ये रहने वाला है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं दूसरा जिले की भर्ती। आप लोगों का जाना गूगल पर, यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है, यहाँ पर कार्यालय कलेक्टर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कार्यालय, ठीक है, कलेक्ट्रेट, और यहाँ पर कर लेता हूँ मैं बैतूल, ठीक है, बैतूल, और करूँगा सर्च। जैसे मैं सर्च करूँगा मेरे सामने जाएगी फर्स्ट लिंक, ठीक है, यहाँ पर कलेक्ट्रेट बैतूल की, इस पर करना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं इसका जो होम पेज हमारे सामने हो जाएगा, हमको जाना पड़ेगा होम पे, हम देख लेते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं होम पे तो दोस्तों हमारे सामने ये आपके सामने ही खुल जाएगी लिंक, ठीक है, यहाँ पे करना आपको स्क्रॉल। जैसे स्क्रॉल करोगे दोस्तों
और यहीं पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन कि दोस्तों यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा 3 डॉट, इस पे करना है क्लिक। जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे दिख जाएगा नोटिस, नोटिस पे करना है क्लिक और आपको सामने दिख जाएगा यहाँ पर दोस्तों रिक्वायरमेंट, ठीक है ये दिख रहा है, इस पे करना है क्लिक। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों जाएगी रिक्वायरमेंट, ठीक है यहाँ पर नीचे करोगे स्क्रॉल, देखिए ये आ चुकी है दोस्तों रिक्वायरमेंट यहाँ पर। और आपकी जो लाइव डेट है यहाँ पर देखिए 30 जुलाई यहाँ पर रहने वाली, ठीक है 12 जुलाई से स्टार्ट है। तो चलिए हम कर लेते हैं डाउनलोड। जैसे ही आप लोग करोगे डाउनलोड आपके सामने इसका जो पीडीएफ है वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ओपन। तो चलिए हम कर लेते हैं पीडीएफ को दोस्तों यहाँ पर ओपन। ये हो चुका है पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड। देखिए दोस्तों ये रहेगी आपके सामने भर्ती, ये जो भर्ती रहेगी कार्यालय प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैतूल में दोस्तों यहाँ पर निकाली गई है। और यहाँ पर जो भर्ती रहेगी वो रहेगी विकलांग आवेदक की भर्ती रहने वाली। इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होना है। आप लोगों को दोस्तों 29 रहेगा दोस्तों चपरासी के पद यहाँ पर निकाला गया, एक पोस्ट निकाली गई है। 15,500 सैलरी आपकी प्रारंभ होती है। आठवीं पास मांगा हुआ है। 29 जुलाई तक आपका इंटरव्यू यहाँ पर होने जा रहा है, ठीक है 29 जुलाई को इंटरव्यू लिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी और आपका रोजगार पंजीयन, ठीक है समस्त डॉक्यूमेंट आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर ठीक है लेकर आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 29 जुलाई को आप लोग लेकर चले जाए वहाँ पर दोस्तों। जो आवेदक जाना चाहते हैं 29 जुलाई को, ठीक है ना, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैतूल में आप लोग चले जाएं और उसी दिन आपका रहेगा इंटरव्यू, यानी आप लोगों को आवेदन नहीं भेजना है। चलिए अब चलते हैं तीसरे जिले की। नेक्स्ट जिले की हम आ चुके हैं दोस्तों। आपको लिखना है गूगल पर कार्यालय कलेक्टर झाबुआ। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी फर्स्ट लिंक, ठीक है इस पे करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे दोस्तों यहीं पे हमें मिल जाएगा नोटिफिकेशन। हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर करना स्क्रॉल और जैसे ही स्क्रॉल करोगे दोस्तों ये रहेगी आपकी भर्ती, ठीक है रिक्वायरमेंट ऑफ द नोटिस, ठीक है इस पे करना है क्लिक। तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे सामने की डिटेल है वो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी ओपन, ठीक है। तो ये हो चुकी है ओपन। देखिए दोस्तों ये हो चुकी है ओपन यहाँ पे। और आप लोगों की जो ओपन हुई है 10 को यहाँ पे स्टार्ट हुई है, 26 जुलाई यहाँ पर रहने वाली है। तो हम कर लेते हैं डाउनलोड। जैसे मैंने क्लिक किया ओपन पर, ठीक है ये हो जाएगी मेरे सामने यहाँ पर डाउनलोड। तो दोस्तों ये हो चुकी है हमारे सामने यहाँ पर डाउनलोड की। दोस्तों ये हो चुकी है कार्यालय कलेक्टर जिला झाबुआ से ये निकाली गई है 10 जुलाई को। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 26 जुलाई तक आवेदन आप लोगों को भेज देना है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है कहाँ पर भेजना है। तो इनका जो दिख रहा है आप लोगों को पता कार्यालय, ठीक है ना, यहाँ पर उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग जिला झाबुआ, ठीक है यहाँ पर आपको भेज देना है। कौन कौन से पद आएंगे देख देख, यहाँ पर जो पद आएंगे दोस्तों 6 पद यहाँ पर निकाले गए हैं अलग अलग, ठीक है ये पद रहेंगे आप, ये रहेंगे क्वालिफिकेशन, ये रहेगी सैलरी। तो आप लोग यहाँ पर देख लें आपके पास क्वालिफिकेशन होगी तो आप लोग दोस्तों आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है 1 वर्ष के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये रखा जाएगा संविदा के आधार पर, ठीक है। तो ये रहेगा पूरी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर हम देख लेते हैं ये रहेगा फॉर्मेट। और दोस्तों आप लोगों का 7 अगस्त को, ठीक है यहाँ पर दोस्तों वो रहेगा यहाँ पर सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पर रहने वाला, ठीक है यहाँ पर। तो ये तो पूरा मैंने बता दिया। और ये रहेगा इसका फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट आपको भर के इनका जो एड्रेस दिख रहा है इस एड्रेस पे आपको भेज देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहेंगी 3 जिलों की अलग अलग वैकेंसी। यदि आपको संबंधित क्षेत्र में क्वालिफिकेशन है तो आप लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें। ओके दोस्तों थैंक यू।